नमस्कार दोस्तों। तो बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का इंतजार कर रहे फैंस को अब इस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा को 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, जहाँ पे दोस्तों इस फिल्म का क्लैश होना था KGF चैप्टर 2 के साथ। ऐसे में दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे रूमर्स आए थे जहाँ ये बताया जा रहा था कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा पोस्टपोन हो चुकी है, लेकिन दोस्तों तब भी लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स की तरफ से ये ऑफिशियल कन्फर्म किया गया था कि फिल्म लाल सिंह चड्ढा 14 तारीख को ही सिनेमाघरों में आएगी और ये फिल्म KGF चैप्टर 2 से क्लैश करेगी। लेकिन दोस्तों अब हाल ही में मेकर्स की तरफ से एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों बताया गया है कि लाल सिंह चड्ढा को 14 अप्रैल को रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों फिल्म की जो शूटिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकी है। ऐसे में दोस्तों अब फिल्म लाल सिंह चड्ढा हमें 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। जी हां दोस्तों, अब फिल्म KGF चैप्टर 2 का रास्ता साफ हो चुका है और फिल्म लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म लाल सिंह चड्ढा में दोस्तों हमें आमिर खान के साथ साथ करीना कपूर नजर आने वाली हैं। वहीं फिल्म का निर्देशन किया है अद्वैत चंदन ने, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया है आमिर खान, किरण राव और अजीत अंधेर ने आमिर खान प्रोडक्शंस और वायकॉम 18 स्टूडियोज के बैनर तले। इस फिल्म को दोस्तों पहले पिछले साल 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था, लेकिन पैंडेमिक के चलते दोस्तों मेकर्स ने इस फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन करके 14 अप्रैल 2022 तय किया था। लेकिन दोस्तों अब ये फिल्म हमें 14 अप्रैल को भी सिनेमाघरों में नहीं दिखेगी और अब इस फिल्म के लिए थोड़ा और इंतजार हमें करना पड़ेगा। वहीं आमिर खान की बात की जाए तो आमिर खान दोस्तों हमें आखिरी बार साल 2018 में आई उनकी फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान में नजर आए थे। ऐसे में दोस्तों उसी के बाद से आमिर खान के सभी फैंस को लाल सिंह चड्ढा फिल्म का इंतजार था, जो कि दोस्तों अब पोस्टपोन हो चुकी है। तो दोस्तों फिल्म लाल सिंह चड्ढा की इस नई रिलीज डेट पर आपका क्या रिएक्शन है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही फिल्मी दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए।